में इसको देखे तो कोई चीज कितनी विश्वास के लायक है, हम ये कह सकते हैं विश्वसनीय है वो चीज या नहीं है, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। मतलब अगर आप बात करें, आप एक टीवी लेके आए हैं तो आप जाके उससे सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये कितने, इसकी जो आप वारंटी है गारंटी कुछ देंगे हमें, ये जो आप ले रहे हैं सिस्टम उसकी कितनी रिलायबिलिटी है, कितना ये वर्क करेगा, कितने टाइम तक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, रेगुलर ऑपरेशन इसका कब तक रहेगा। या फिर अगर हम ये कहें, चलो ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई कि हम एक टीवी लेके आ रहे हैं, अब कोई एक बॉम्ब बनाया जा रहा है या फिर कोई मिसाइल वगैरह बनाई जा रही है, तो अब वो कितनी ज्यादा हमें उसकी रिलायबिलिटी चेक करने की नीड है, क्योंकि उसको हमें हो सकता है कहीं ऐसी जगह यूज करना हो और वहां पे वो जाके फेल हो जाए तो बहुत ही डेंजर वाली बात है उस जगह पे। तो काफी सारे सिस्टम हमारे रियल लाइफ में ऐसे हैं जिनकी रिलायबिलिटी चेक करने की तो हमें नीड है ही है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का यूज वहां पे बहुत ज्यादा होगा जब जब सिस्टम ऐसे होंगे जिनके हमें फेलियर के बारे में पता लगाना होगा कि कितने टाइम में फेल हो जाएगा। या फिर हम बात करें, एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूँ ये गूगल मीट की बात करूँ, ये गूगल मीट आपका 1 वीक सही काम करे और फिर उसके बाद ऐसे ही कभी नेटवर्क इश्यू होने लग जाए, कभी कुछ हो, तो आपको भी लगेगा कि नहीं ये इतना रिलायबल नहीं है सॉफ्टवेयर कि हम इस पे काम कर सकते हैं, हम किसी और एप्लीकेशन पे स्विच कर जाएंगे, या तो हम जूम पे चले जाएंगे या वेबएक्स पे, ऐसा ही होगा ना। तो सिस्टम्स की यस मैम, रिलायबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा कोई चीज रिलायबल होगा उतनी उस चीज की डिमांड भी बढ़ेगी। ये भी आप जानते हैं कि अगर आप किसी एक बार एक जगह से टीवी ले लेते हैं और आपका टीवी ठीक नहीं निकलता है तो आप क्या करते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाके लेंगे, उस पर तो वापिस कभी नहीं जाएंगे ना। या फिर आपसे भी कोई आपका कुछ भी काम कह रहा है, आपको मैंने काम दिया कि कल आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करके आना, लेकिन हो सकता है आपने उस टॉपिक को इतने अच्छे से प्रिपेयर ना किया उस टाइम पे, लेकिन आप कर सकते थे, बट अफेक्ट तो वहीं से पड़ने लग गया, रिलायबिलिटी जब चेक हुई आपकी तब आपने उसे नहीं किया। तो मेन थिंग यही है, जो कंपटीशन चल रहा है, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में भी जाएंगे, हर आइटम को बनाने वाले बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रियल्स हैं, अब उनमें से दी बेस्ट आइटम के लिए हम रिलायबिलिटी चेक करना हमारा एक मेन प्रोसीजर रहेगा ही रहेगा, कहीं पे भी हम जाएंगे किसी भी सिस्टम में। इवन मेरा खुद का जो रिसर्च एरिया वो भी रिलायबिलिटी पे ही है, हम भी यही चेक करते हैं सब की कोई चीज किसकी हमें कितनी वारंटी मिलेगी, उसको हम किस तरीके से आगे काम में ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक रिपोर्ट है हमारे पास थर्मल पावर प्लांट की, इंडिया के अंदर ही ऐसा हुआ था कि उनके जो सिस्टम जो वो बना रहे थे, टेस्ट किया तो 57% सिस्टम उनके डिफेक्टेड निकले थे, तो उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस देखना पड़ा था इसको लेकर, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए सुपर फास्ट कोई ट्रेन है, उसकी ब्रेक्स का आप टेस्ट करना चाहते हैं, अब अगर उनकी ब्रेक में फेलियर होने लग गया तो एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, जिससे काफी लोगों पे अफेक्ट हो सकता है लाइफ पे भी, और ऐसा एक्चुअल में हुआ है। जब हमारा 1980 के अंदर ही ये वहां की है, उसमें जब हम रिलायबिलिटी का काम कर रहे थे तो वहां पे ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हमारे रियल लाइफ में हो चुके हैं कि जिनसे हमें फेलियर फेस करने पड़े हैं, और उन पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही रिलायबिलिटी टर्म हमारी एग्जिस्टेंस में आई थी। रिलायबिलिटी वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही चल रहा है, तो इसके हिस्ट्री में तो हम नहीं जाएंगे, इसके डेफिनेशन पे चलेंगे डायरेक्ट। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, उस पे चलते हैं। अच्छा, आपको डेली के डेली नोट्स मिल जाया करेंगे ग्रुप में ही, जितना भी काम होगा उतने के ही नोट्स आपको डेली मिला करेंगे। आपको अपनी लैंग्वेज में भी कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हैं, इवन बेटर रहेगा। आप बुक्स भी रीड कीजिए, एक तो आपकी JMAD की बुक ही है जो आपने पहले भी किया 3 सेक्शन, उसमें एक रिलायबिलिटी का बीच में छोटा सा टॉपिक है बस, आपका JMAD की बुक में कंप्लीट नहीं है। एक आपकी बुक ई बाला गुरु स्वामी की जो 3rd नंबर पे मेंशन है सिलेबस में 3rd नंबर पे मेंशन है, उस बुक की PDF तो नहीं है अवेलेबल सॉफ्ट कॉपी, लेकिन लाइब्रेरी में जरूर है वो बुक्स, ठीक है। तो अदरवाइज आपको जो नोट्स दिए जाएंगे वो भी सफिशियंट है, अगर आप वहां से भी पढ़ लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी की डेफिनेशन लेते हैं। अच्छा, आप कोई और मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं अपने रियल लाइफ से जहाँ पे रिलायबिलिटी चेक होना नेसेसरी हो, एनीवेयर कोई भी।
मैम हर जगह यूज होगी, कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो दोबारा उसी शॉप पे जाना भी इसी पे डिपेंड करता है कि वो चीज कितनी रिलायबल थी लास्ट टाइम, ट्रस्ट वर्थी कितना था वो। देखो फेलियर तो आ सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि फेलियर नहीं आए, क्योंकि कोई भी चीज आप लोगे टाइम के अकॉर्डिंग वो लो तो होगी होगी एक ना एक टाइम पे। अगर आप कोई, मैं जो एग्जांपल है स्टार्टिंग से टीवी का ले रही, क्योंकि वो हर एक के घर में होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास टीवी नहीं होगा इस टाइम पे। तो क्या होता है, आप टीवी लेके आते हैं, आपको कम से कम 5 से 10 साल की दे देते हैं वो, मतलब कि हाँ श्योरिटी है इतना वो चलेगा ही चलेगा। फिर भी आपके फेलियर आने स्टार्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर और 2 ईयर, फेलियर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही फेल हो जाए, वो दोबारा ऑपरेट नहीं हो सकता, उसको आप जाके रिपेयर करा सकते हैं या एक्सचेंज करा सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंगली वो चीज फेल हो गई, लेकिन टोटली फेल नहीं हुई है। मतलब यहाँ पे मैं रिलायबिलिटी को भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ले सकती हूँ। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, रिलायबिलिटी को हम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ले सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे चीज रिलायबल कम होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे उसके फेलियर्स आएंगे। तो फेलियर के बेस पे हम रिलायबिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। रिलायबिलिटी ऑफ अ यूनिट, किसी भी यूनिट की निकालेंगे, किसी भी सिस्टम की आप निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हैं, पार्ट ऑफ सिस्टम भी हो सकता है, वो सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है, उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ये होता क्या है, ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे भी चांस वाली बात ही है कि कोई चीज आपको गारंटी दे रहा है लेकिन उसके पीछे भी एक चांस है कि वो चीज कितने परसेंट काम करेगी हमें नहीं पता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही है। टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज चल रही है। प्रोबेबिलिटी कब आती है, जब रेंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में हम ऑलरेडी बता रहे हैं क्या इतने टाइम तक हो सकते हैं, लेकिन हम उसको मेजर करना चाहते हैं, यहाँ पे किसका रोल आएगा, प्रोबेबिलिटी का रोल आएगा। ये प्रोबेबिलिटी है कि एक यूनिट अपने फंक्शंस को कितने अच्छे से कितने टाइम तक परफॉर्म करेंगी। इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन एडिक्वेटली फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जितने टाइम के लिए बोला था उतने टाइम तक इस यूनिट ने अपना काम, अपना फंक्शन कितने अच्छे से परफॉर्म किया है अंडर दी स्टेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन और इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट सेट किया था, जो कंडीशंस रखी है उन सबको देखते हुए, उन सबका ध्यान रखते हुए उस यूनिट ने अपना फंक्शन कितने अच्छे से परफॉर्म किया है, दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ अ यूनिट। इट मीन्स जो रिलायबिलिटी आपकी 4 चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो सबसे पहले वो किसका हमने बोला है, प्रोबेबिलिटी निकाल के देखेंगे, सेकेंडली हमने क्या बोला है इसके अंदर कि ये टाइम पे भी डिपेंड करेगी, टाइम के अकॉर्डिंग फेलियर होगा इसके अंदर। थर्ड हमने ये बोला इंटेंडेड फंक्शन है, इंटेंडेड फंक्शन, और फोर्थ हमने बोला है कि ऑपरेटिंग कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन के अंदर, मतलब आपने एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या लिए उससे भी अफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है आपने कोई चीज ऐसी आप लाए हो, इन्वर्टर वगैरह वो ले रहे हो, अगर आप उस पर टेम्परेचर ज्यादा वाली जगह में रख दोगे, ह्यूमिडिटी होगी जहाँ पे, वो अफेक्ट कर सकता है सिस्टम की क्वालिटी पे, और जैसे ही क्वालिटी अफेक्ट होगी तो फेलियर होना भी स्टार्ट हो जाएगा, और फेलियर होते ही वो चीज रिलायबल कम हो जाएगी, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन का भी फर्क पड़ सकता है, प्रोबेबिलिटी को भी हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन ऑफ टाइम बनाएंगे वो भी आगे करेंगे। इंटेंडेड फंक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे जो थर्ड वर्ड लिखा है मैंने इंटेंडेड फंक्शन, देखो इंटेंडेड फंक्शन का मतलब क्या, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लिया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और एक्सपेक्ट किया है जो शॉपकीपर उसने ये कहा है कि इस इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो आउटपुट है वो 5 किलोवाट है। क्या कहा है उसने इंटेंडेड फंक्शन में कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है हमारे पास, इलेक्ट्रिक जनरेटर 5 किलोवाट एट 220 वोल्ट पे ये अपना काम करता है। मतलब मैंने इसकी कैपेसिटी बता दी है कि कोई भी अगर आप कंडीशन सेट कीजिए उस कंडीशन के अंदर ये 5 किलोवाट अपनी वोल्टेज रखेगा एट 220 वोल्ट।
इतना प्रोड्यूस करेगा, इतना आउटपुट वो देगा। तो ये उस जनरेटर का इंटेंडेड फंक्शन। जैसे आपका इंटेंडेड फंक्शन इस टाइम ये है, आपको इस सेक्शन को समझना, आपका काम क्या है। ऐसे कोई चीज आपसे ऑलरेडी जो एक्सपेक्ट की जा रही है, दैट इज द इंटेंडेड फंक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर का इंटेंडेड फंक्शन क्या है कि वो 5 किलोवाट आउटपुट देगा एट 220 वोल्ट। तो इस चीज को हमने इंटेंडेड फंक्शन बोला, ठीक है। तो जो उसको काम दिया गया, उसने उस काम को कितने अच्छे से किया है, वो भी रिलायबिलिटी ही होता है। तभी हम उस पर विश्वास कर पाते हैं कि मैंने जो काम दिया आपने कितने अच्छे से किया, तभी मैं कहूंगी कि आप रिलायबल हैं। तो इंटेंडेड फंक्शन का भी रोल है, जरूर रोल है। तो इंटेंडेड फंक्शन क्लियर हो गया होगा और ऑपरेटिंग कंडीशन भी क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशन आपने ली है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो इफेक्ट ना डाले सिस्टम पे, इस तरीके से हमें लेना होगा कंडीशन को। तो ये दो चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी और टाइम का क्या रोल है, किस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे रिलायबिलिटी। चलिए, तो सबसे पहले कैपिटल टी मैंने मान लिया है, दैट इज द रेंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द टाइम टिल फेलियर ऑफ द डिवाइस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम टिल फेलियर ऑफ डिवाइस। कोई भी जो मैंने डिवाइस लिया है उसको फेल होने वाले टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए जो आपने टीवी ही लिया था, उसमें पहला फेलियर हमारा 2 ईयर में जाके आ गया। हम ये भी कह सकते हैं कि 2 ईयर इज द फेलियर टाइम, हो सकता है। फिर अगला फेलियर आपका 4 साल बाद आया हो, अगला फेलियर आपका हो सकता है 10 साल बाद आया हो। तो ये फंक्शन ऑफ टाइम तो है ही है, ठीक है। टाइम के अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेंडम वेरिएबल क्या होता है? यस, प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ रखी होगी। एनीवन, रेंडम वेरिएबल तो 31 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनमें से कोई भी बताना चाहे। कोई भी वेरिएबल जिससे हम सैंपल स्पेस के आउटकम को डिनोट करते हैं। आवाज क्लियर नहीं आई। जैसे ऐसे बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। आप बोलना क्या कह रहे हो? अलका, अलका ने आंसर दिया है, कपिल ने भी आंसर दिया है। ऑल आर राइटिंग सैंपल स्पेस जिसकी डोमेन हो एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, ऐसा कुछ लिखा है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक फंक्शन ही होता है, रैंडम फंक्शंस भी बोल सकते हैं हम इसे। एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम होते हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है? अगर मैं टी की वैल्यू देखूं तो टी टाइम मेरा यहाँ पे वेरी कर सकता है 0 टाइम से लेकर इन्फिनिटी तक। ये बात तो क्लियर होगी ना हमारी, कितने भी इसके बीच में कोई भी टाइम हो सकता है। टाइम जो भी होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। इनिशियली 0 पे हम मान के चल रहे हैं कि डिवाइस ऑपरेबल है, मतलब जब मैंने वो सिस्टम लिया है वो ऑपरेबल था एट टाइम 0 पे। तो यहाँ पे मैं एडिशन में डेफिनेशन में ये भी लिखूंगी, लेट टी बी अ रेंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द टाइम टिल फेलियर ऑफ डिवाइस स्टार्टिंग विद एन इनिशियल ऑपरेबल कंडीशन। इनिशियली वो ऑपरेबल कंडीशन पे था, मतलब एट टी इज इक्वल टू 0, टाइम 0 पे जब आपने उस डिवाइस को लिया है तो वो ऑपरेबल था, ठीक है, ऑपरेबल था। और हमने ये कहा है टाइम की वैल्यू जो फेलियर है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कभी भी आ सकता है, एट 100th ईयर में भी जाके आ सकता है, 20th ईयर में भी जाके आ सकता है, हमें नहीं पता उसका फेलियर कब आ जाएगा। तो टी एक रेंडम वेरिएबल बनेगा ऑब्वियसली, जिसका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स अगर हम देखें तो 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी आ सकता है। और रेंज जो होगी इसके अंदर जो आंसर आएगा, क्योंकि एक ये हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, हमने क्या बोला है कि रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी जो मीजर करेगा कि वो कितना सिस्टम अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है अच्छे से, यही हमने बोला। तो प्रोबेबिलिटी की हमेशा आउटकम किस किस के बीच में रहता है? प्रोबेबिलिटी का आंसर
07। यस 0 से 1, तो रिलायबिलिटी फंक्शन की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम रिलायबिलिटी एट एनी टाइम टी, अगर मैं चेक करना चाह रही हूँ आरटी, आरटी क्या है आपके पास रिलायबिलिटी है एट टाइम टी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेंगे हम कि जो रेंडम वेरिएबल है ये टी से ज्यादा। क्या मतलब बोला है हमने कि वो प्रोबेबिलिटी कि जिसका लाइफ टाइम कम से कम टी तो हो ही हो, टी के बाद वो फेल हो, रिलायबल बोला ना हमने टी टाइम तक, तो यहाँ पे हम आर टी लिख रहे हैं, आर टी मतलब रिलायबिलिटी एट टाइम टी, मतलब टी टाइम तक वो सिस्टम रिलायबल था, अगर वो फेल होगा, ये क्या है टी, कैपिटल टी इज अ रेंडम वेरिएबल ऑफ फेलियर, मतलब अगर वो फेल होगा तो टी टाइम के बाद ही फेल होगा, टी इज ग्रेटर देन स्मॉल टी, रेंडम वेरिएबल जो फेलियर वाला हमने बनाया है उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी लेनी है जब टाइम टी से ग्रेटर हो जाए। तो रिलायबिलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल फिट बैठ रही है यहाँ पे जो हमने प्रोबेबिलिटी लिखी है, रिलायबिलिटी मतलब वो सिस्टम तब तक रिलायबल था एट टाइम टी तक, तो जो फेलियर आएगा वो टी टाइम के बाद ही आएगा। तो रिलायबिलिटी ऑफ टी अगर आपको मीजर करनी है तो कैसे मीजर करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे फॉर टी ग्रेटर देन टी। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं इसको और मॉडिफाई करूंगी। चलिए तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल मीनिंग का मतलब भी यही होगा, मीनिंग अगर हम देखें सर्वाइवल का कि कब तक वो सर्वाइव कर रही है, हमने यहाँ पे यही बोला है कि टी टाइम तक तो सर्वाइव करेगी, फेल हो सकती तो टी के बाद ही होगी, आर टी क्या रिलायबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से। जब जब रेंडम वेरिएबल आता है, टी इज द रेंडम वेरिएबल हियर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है आप देख पाए तो इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूस के बीच में लाई कर रही है कुछ ना कुछ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो जो इसका हम कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएंगे रेंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यही बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये सब आपने फिफ्थ चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स रीड कर रखा होगा, ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ आपको आता है। इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल एफ एक्स, इसकी वैल्यू कैसे निकलती थी, या इसी से हम एक और फंक्शन बनाते थे इंटीग्रेशन करके, यस इसी से हम एक और फंक्शन भी बनाते थे कैपिटल एफ टी, ये क्या होता था कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, याद होगा, यस मैम, कैसे बनता था ये वाला फंक्शन आपका, आप प्रोबेबिलिटी ही लिखते थे टी लेस देन इक्वल टू टी की, मतलब इससे पहले वाली सारी लिख लेनी है आपने, माइनस इनफिनिटी से टी तक आप इंटीग्रेशन कर देते थे फंक्शन एफ टी डी टी का, तो कैपिटल एफ बन जाता था, डी एफ इज इक्वल टू एफ, ये सारे रिलेशन आप रीड आउट कर चुके हैं। इसी को अब हम कनेक्ट करेंगे रिलायबिलिटी से ही। चलिए तो रिलायबिलिटी पे चलते हैं वापस, आपने खुद लिखा रिलायबिलिटी ऑफ अ डिवाइस एट एनी टाइम टी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी, विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेस देन इक्वल टू टी, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है, 1 में से अगर मैं इसके लेस देन इक्वल टू को माइनस कर दूंगी सेम ही रहेगा, और इसको अभी आपने बोला है दैट इज कैपिटल एफ ऑफ टी, तो रिलायबिलिटी फंक्शन को आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कैपिटल एफ टी, कैपिटल एफ टी इज कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द रेंडम वेरिएबल, which random variable representing the time till failure of the device, or we can write capital T as lifetime of the device. Capital T का मतलब यही है कि lifetime of device, device की lifetime कितनी है, या फिर आप बोल सकते हैं failure time कौन सा है, दोनों same ही meaning है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। चलिए ये तो बात हो गई, आपने ली 1 माइनस कैपिटल F, अब इसको अगर मुझे स्मॉल एफ टी से रिलेट करना हो तो कैसे रिलेट करेंगे, स्मॉल में लाने के लिए हम क्या करते हैं कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करते हैं, अभी आपने ऊपर ही लिखा है कि स्मॉल एफ बनाना है तो कैपिटल वाले का डेरिवेटिव कर दो, तो जो ये इक्वेशन मेरे पास आई है इसका दोनों तरफ अगर हम या तो डेरिवेटिव करें तब देखें क्या बन रहा है,
या फिर अगर मैं डायरेक्ट ही लिखना चाहूं, क्या मैं यहां से डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ कुछ? यस चलिए कोई नहीं, देखते हैं। डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे आगे आर डैश टी, इसका हो गया जीरो माइनस एफ माइनस एफ टी, यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे भी टी, तो ये रिलेशन भी लिख सकते हैं। मेन आपका ये वाला रिलेशन है, इसको आप याद रखना, और एक ये वाला रिलेशन याद रखना, ये दो आपको डेफिनेशन याद रहनी चाहिए एंड तक, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप टी से इन्फिनिटी, क्योंकि टी से आगे वाली आप ले रहे हैं इन्फिनिटी तक, किसका, जो इसका फंक्शन है रैंडम वेरिएबल टी का फंक्शन, स्मॉल एफ टी लिखा है हमने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो एफ टी, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही डेफिनेशन है अभी तक इसकी जो हमने बनाई है, इसको चाहे आप रब कर दो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। वन दिस, वन टू एंड दिस थ्री, ये तीन डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी तक कोई डाउट है पूछ सकते हैं, आगे चलेंगे। दैट इज ऑल अबाउट रिलायबिलिटी। देखिए इसी के अंदर अगर मैं आपसे ये पूछूं आर जीरो की वैल्यू कितनी होगी, आर जीरो सोचिए, सभी देखते हैं कौन आंसर करेगा सही इसके अंदर। आर जीरो की वैल्यू वन, वन, यस वन, कैसे आई है एक्सप्लेन करोगे? आर टी इक्वल टू वन माइनस एफ टी है और एफ ऑफ वन, एफ ऑफ जीरो जीरो होगा ना, एफ ऑफ जीरो जीरो होगा। क्या ये सबको क्लियर है? एफ ऑफ जीरो जीरो होगा यहाँ पे। पूजा ने जो आंसर किया है, यस शालू ने भी लिखा है वन माइनस एफ ऑफ जीरो ही। चलिए ये तो आपने पढ़ रखा था वन माइनस एफ ऑफ जीरो, उससे भी बोल दिया आपने एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मतलब माइनस इनफिनिटी से जीरो एफ टी डी टी, आपको कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू इन रैंडम वेरिएबल के लिए तो है ही नहीं, जीरो है, तो इसलिए इसका आंसर जीरो आ गया, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो टी ग्रेटर देन जीरो से स्टार्ट हुआ था या जीरो के इक्वल से, ठीक है। तो इस पे जीरो, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमने अभी पढ़ा है डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ी है, अभी जो हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो हम बोल सकते हैं, जीरो से इन्फिनिटी एफ टी डी टी कर सकते हैं, कंप्लीट फंक्शन ही आ गया सम ऑफ, अगर हम देखते हैं कंप्लीट रेंडम वेरिएबल पे तो आंसर क्या आता है आपका, वन आता है, उससे भी आप बोल सकते हैं। अदरवाइज एक जनरल नॉलेज आप सोच के देखिए, मैंने ये बोला था कि इनिशियली अगर हम कोई भी सिस्टम लेंगे तो वो ऑपरेबल होगा, बिल्कुल ठीक होगा, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे वो सिस्टम फुल्ली रिलायबल होगा, मतलब उस पर उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जितनी होती है पूरी की पूरी आ जाएगी, तो इसलिए आर जीरो पे वन आया है। अगर सेम क्वेश्चन मेरा ये रहता अब आपसे, आर इन्फिनिटी पे आंसर कितना आएगा, आर इन्फिनिटी पे जीरो, जीरो, क्योंकि कोई भी डिवाइस फोर एवर वर्केबल नहीं रहता है, फोर एवर कभी भी कोई भी डिवाइस वर्क नहीं करता है। अब हमने इन्फिनाइट पे जाके, मतलब जब टाइम आपका इन्फिनिटी तक चला जाए, टाइम इन्फिनिटी मतलब एंड टाइम तक पहुंच चुके हो, जो भी हो एंड टाइम हो, अब कोई भी डिवाइस एंड तक तो ठीक रहेगा ही रहेगा, वो फेल होना ही होना है, तो उस टाइम पे जाके वो पक्का फेल हो चुका होगा, तो उस टाइम पे उसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर जीरो इक्वल टू वन का हम ये भी समझ सकते हैं ना, जब तक वो हमने खरीदा ही नहीं खरीद चुके हैं, इनिशियली की बात करें, इनिशियली कोई भी सिस्टम हमें कैसा मिलेगा, टाइम जीरो मतलब अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, आप जाके वहीं पे खड़े हो, ठीक है, आप सिस्टम को ले रहे हैं, यस खरीदा नहीं है ये बोल सकते, लेकिन हमारा टाइम जो जीरो से इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है, तो जीरो जब आपने स्टार्ट किया, जब आपने उस सिस्टम को लिया है, इनिशियली वो सिस्टम वर्केबल था, वर्केबल मतलब टोटल उसका वन रहेगी प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, उसका कोई चांस नहीं। फिर ऊपर टी डिफाइन करे तो,
ऊपर स्मॉल टी डिफाइन करें, वो जीरो इंक्लूड होगा ना उसमें। हाँ इंक्लूड ले लीजिए, क्योंकि जीरो पे भी हम बात कर रहे हैं। यस, उसके सैंपल स्पेस में अगर हम बात करें तो जीरो भी इंक्लूड है। यस बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो जीरो पे वन हो गया, इन्फिनिटी पे जीरो हो गया। अगर इसके बीच में बात करो, अगर आप जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो फेल होना शुरू हो जाएगा, ये बात समझ रहे हैं। तो जो हम आर टी वाला फंक्शन है, क्या हम उसको नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा कुछ बोल सकते हैं? डिक्रीज हो रहा है, और किसी टाइम पे वो इक्वल भी रह सकता है। हो सकता है जो मैंने टाइम की वैल्यू 3 लिया या 4 लिया, दोनों पे सेम ही रिलायबिलिटी आ जाए, तब तक कोई फेलियर ही ना हुआ हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डिक्रीजिंग या फिर कॉन्स्टेंट, बीच बीच में ये भी हो सकता है। तो हम सिंपल वर्ड लिख रहे हैं दोनों का मिला के, नॉन इंक्रीजिंग रहेगा, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। कभी भी आपका ये इंक्रीज नहीं होगा, या तो डिक्रीजिंग होता जाएगा या किसी पॉइंट पे इक्वल भी हो सकता है ये, ठीक है ना। बीच बीच में किसी किसी टाइम पे इक्वल भी रह सकते हैं वैल्यू, या उससे नीचे की तरफ ही आएंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, धीरे 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 उसकी लाइफ टाइम रिड्यूस होती जाएगी, और रिड्यूस होते होते उसकी रिलायबिलिटी उतनी ही कम होते होते एट लास्ट जाकर जीरो बन रही है। तो वन से स्टार्ट होकर जीरो पे जा रही है, दैट मीन्स दिस इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी तीन क्वालिटीज हमने लिखी है यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं हम रिलायबिलिटी फंक्शन की। फर्स्ट वन इज आर जीरो वन रहेगा, सेकेंड इज आर इन्फिनिटी जीरो रहेगा, एंड थर्ड इज आर टी जो आपने लिया है दैट इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक था दैट इज ऑन रिलायबिलिटी, लेकिन हम इससे कुछ जुड़ी हुई एक दो डेफिनेशन और करेंगे, जिसको हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में यूज करने वाले हैं, सीरीज सिस्टम के अंदर यूज करने वाले हैं, पैरेलल सिस्टम के अंदर यूज करने वाले हैं, आगे हर एक में यूज करने वाले हैं।